तुम्हारे प्यार की उम्र मेरे प्यार के सामने बहुत कम है। होगी तुम अली की बीवी, मगर मुझे उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम इसे छोड़ो, जाके डाइनिंग साफ करो और देखो मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं देना, मैं अच्छी तरह से चेक करूंगी। वालेकुम अस्सलाम। माही तैयार हो गई? हो रही है। अली मेरी बात सुनो। Is everything okay, mom? देखो बेटा, चीजें और मामला खुद से ठीक नहीं होते, उन्हें ठीक करना होता है। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? मैं फिर कहूंगी, तुम ठीक नहीं कर रहे, सारा तुम्हारे साथ को गलत रंग दे रही है। देखो बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि सारा को बचाते बचाते तुम अपनी मैरिड लाइफ दांव पे लगा दो। तुम्हारा सारा के सुसाइड करने का जो डर है ना, वो सारा की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग और माहिन को कमजोर कर रहा। तुम दोनों में बैलेंस नहीं कर पा रहे बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारा घर ना टूट जाए। मॉम, मैं बैलेंस कर लूंगा, ट्रस्ट मी। हेलो। हे, वाह भाई, आज तो दोनों एक साथ तैयार हो रहे हैं। हम लोग पहले भी तो साथ में ही तैयार होते थे। अरे हाँ ये भी है, भूल गया मैं। कैसी लग रही हूं मैं? अच्छी लग रही है, लेकिन मेरी माही की तो बात ही कुछ और है। सादगी का भी अपना ही हुस्न होता है, राइट? राइट। मना किया था ना मैंने आपको, नहीं करनी मुझे शादी, फिर क्यों बुलाया इन लोगों को? अपने अब्बू से बात करो, उन्हें ही शौक है तुम्हारी शादी करने का, वो चाहते हैं इस घर से जाने से पहले तुम्हें रुखसत करते हैं। अम्मी मैं बेटी हूँ आपकी, कोई बोझ नहीं हूँ। क्या आगे चलने के डर से बीच रास्ते में किसी भी राह चलते को अपना बोझ थमाया और हल्के कर लिए अपने कंधे? अली की जगह मैं किसी को नहीं दूंगी। तुम उसे अपनी जिंदगी से निकालने को तैयार नहीं हो, और एक वो है जो अपनी जिंदगी में तुम्हें शामिल करने को रजामंद नहीं। कर लेगा शामिल वो, तो वादा किया उसने तुमसे, वो भी कर लेगा वो। देखो जागती आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो, हकीकत की दुनिया में जियो। और बेटा हकीकत यह है कि अली तुम्हारा माजी था, तुम उसे हाल नहीं बना सकी तो अपना मुस्तकबिल कैसे बनाओगी? बेटा थैंक यू। अरे खाओ बेटा, बिस्मिल्लाह करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? मुझे पता था ताई अम्मी ने सारी तुम्हारी पसंद की डिशेस बनाई होंगी। वैसे तुम्हारी और मेरी पसंद एक जैसी है।
तुम्हें पता है माही, परसों सारा को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। अच्छा, इसने मुझे बताया भी नहीं। सारा, सारा शर्मा गई। आपने, चलो तुम लोग तो खाओ ना। आप लेना प्लीज। हाँ मैं लेती हूँ। माही आज तुम यही रुक जाओ, सारा बहुत डिस्टर्ब है। उससे बात करके उसका माइंड भी तो डाइवर्ट करना है तुम्हें, और फिर उसका प्रपोजल, उसके लिए भी तो उसको मनाना ही है तुम्हें। नानू एक्चुअली ठीक ही कह रही थी, सारा का मूव ऑन करना बहुत ही जरूरी। माही क्या हो गया यार, तुम परेशान क्यों हो जाती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और फिर हम दोनों को तो मिलके सारा को शादी के लिए मनाना है, राइट? अली, हाँ अली, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ऐसी क्या बात है सारा जो तुम माही के सामने नहीं कर सकती? ऐसी बात है, मेरी पर्सनल बात है, मैं हर किसी के सामने नहीं शेयर करना चाहती। सारा होल्ड ऑन, ये हर किसी नहीं है, ये माही है। And she's your... अच्छा ठीक है अली, इट्स ओके, तुम कर लो बात। देखा तुमने क्या किया, माही को हर्ट कर दिया। और जो मैं हर्ट हो रही हूँ, तुमने सुना लोग देखने आ रहे हैं मुझे, और तुम्हें पता है मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी। सारा नॉट अगेन, यू नो, जस्ट लिसन टू मी। बस, नाउ यू लिसन टू मी अली, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की मैं मार दूंगी खुद को।